हेलो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आवर हैंड एंड मिनट हैंड एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल इनमें से किस टाइम पर बनाएंगे। ये क्वेश्चन सिंपली इन टाइम्स को क्लॉक में प्रेजेंट करके ही सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए अब ऑप्शन ए के टाइम को क्लॉक में शो करते हैं। इसमें ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग 7 o'clock का टाइम शो कर दिया गया है और इसमें देखने से क्लियर हो रहा है कि ये दोनों हैंड्स एक दूसरे से अपोजिट नहीं हैं। दैट मीन्स अगर ये दोनों हैंड्स ऐसे होती तब इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बन जाता, इसलिए ऑप्शन ए कट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम को अब क्लॉक में शो करते हैं। इसमें 7 एंड 7:05 के बीच का टाइम दिया गया है। 7 o'clock का टाइम तो इसमें शो है ही। अब हमें देखना होगा मिनट हैंड के इस पोजीशन पर आने के टाइम ड्यूरेशन में क्या आवर हैंड इसके अपोजिट हुई थी। इसलिए अब इसमें मिनट हैंड यहाँ पर आ जाएगी और आवर हैंड यहाँ से हल्का सा डिस्प्लेस हो जाएगी। और सपोज आवर हैंड मूव करके यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर भी हम क्लियरली देख सकते हैं ये दोनों हैंड्स एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं। दैट मीन्स ये एंगल 180 डिग्री नहीं है। अगर आवर हैंड का हेड जस्ट 7 की तरफ पॉइंट करता तब तो इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बन जाता, बट ये हल्का सा डिस्प्लेस हो गया है, इसलिए ऑप्शन बी के टाइम पीरियड में भी दोनों हैंड्स एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे। ऑप्शन सी में एग्जैक्ट 7:05 का टाइम दिया गया है जो कि हम देख चुके हैं 180 डिग्री का एंगल नहीं हो रहा है। ये ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड ये लेस देन 180 डिग्री, इसलिए ऑप्शन सी भी कट कर सकते हैं। इसलिए अब बचा हुआ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसे क्लॉक में शो करके देख भी लेते हैं। इसके लिए हम 7:05 का टाइम यहाँ से देख सकते हैं। अब हमें देखना है मिनट हैंड इस टाइम ड्यूरेशन में आवर हैंड से कैसे अपोजिट हो रही है। हम मिनट हैंड इस पोजिशन पर प्लेस कर दे रहे हैं। अब ये एंगल लेस देन 180 डिग्री हो रहा है एंड ये ग्रेटर देन 180 डिग्री, जबकि 7:05 के टाइम में जस्ट अपोजिट था। दैट मीन्स 7:05 एंड 7:10 के बीच में मिनट हैंड एंड आवर हैंड एक दूसरे से अपोजिट हुई थी।